फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये सुंदर सा गाउन मैंने रेडी किया है और आप सबके साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूंगी। आजकल बहुत सारे शादियों के ओकेजन्स आएंगे जिसके लिए ये गाउन का वीडियो आई होप आप सबके काम आए, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही कम बजट में मैंने इसे रेडी किया है। तो चलो बढ़ते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो अस्तर के ब्लाउज़ के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को चार भाग में फोल्ड करने के बाद शोल्डर मैंने यहाँ पर 6.5 लिया है प्लस 1 करते हुए सीम अलावेंस के लिए। उसके बाद उसी के पॉइंट के नीचे आर्म होल्स का मैंने मेजरमेंट ले लिया है और जितना आपका चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा हम यहाँ पे ले लिया है। फिर हमने यहाँ पे लेंथ जो रखी है वो 15 इंच की है, जो रेडी होके 14 इंच बन जाएगी, जो नॉर्मल गाउन की लेंथ होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप 16 इंच ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो कमर का मेजरमेंट लेने के बाद आर्म होल की तरफ इस तरीके से आप एक कर्व शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक मैंने यहाँ पर जो लंबाई है वो 3 इंच की रखी है और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखी, क्योंकि बोट नेक का लुक देना है मुझे, इसलिए शोल्डर जो है वो कम रखा है। उसके बाद इसे मिला लेंगे और अब सारी मार्किंग एरियाज को इस तरीके से हम कट कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, अगर आप जिस तरीके से मैंने किया है अगर आप करेंगे तो आपका जो ड्रेस है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। कटिंग के बाद हमने 4 फोल्ड किया था इसलिए फ्रंट एंड बैक दोनों का हिस्सा हमें रिसीव हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसी अस्तर की हेल्प से हमारा जो मेन फैब्रिक है नेट का, इस पर हम ट्रेसिंग करके कट करेंगे। फैब्रिक को 4 भाग में मैंने फोल्ड कर लिया है। ऊपर से जो प्लेन फैब्रिक था थोड़ा सा उसे इवन करने के लिए मैंने वहाँ पर जो है वो कट करके उसे निकाल लिया है। फिर कोई भी एक पोर्शन अपने अस्तर का इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर रख लीजिए एंड सिंपली जो है वो सीजर की मदद से कट कर दीजिए। अगर आप चाहो तो एक और बार मार्किंग ले सकते हो, बट ऐसे करने से बहुत एक्यूरेट अस्तर और जो नेट है उसका मेन फैब्रिक आपको बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग मिल जाएगी। सो मैंने कट कर लिया था फैब्रिक जो कि 4 भाग में फोल्ड था, इसीलिए फ्रंट एंड बैक दोनों का हिस्सा हमें यहाँ पे भी मिल चुका है नेट में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक और नेट के फैब्रिक को उल्टा रखिए, मेन फैब्रिक को सीधा रखिए एंड सिर्फ गले की तरफ जो है वो एक सिलाई दे दीजिए, जिससे कि आपको गले पे पट्टी वगैरह नहीं लगानी होगी। ये हमारे उन दोस्तों के लिए जो अभी अभी सिलाई स्टार्ट करे हैं तो उनकी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने गले की तरफ सिलाई मार दी है, इसे फ्रंट एंड बैक दोनों में ही आपको सेम करना होगा। फिर आप जब इसे फ्लिप करेंगे यानी पलट लेंगे तो देखेंगे कि नेक पे हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इस तरीके से ये लुक आ गया है। वहाँ पे हम लेस लगा लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अब अस्तर और फैब्रिक को जॉइन करने के लिए एक सिलाई लगा दीजिए आर्म होल्स और साइड के तरफ, जो कि मैंने लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रॉन्ग साइड में रख लीजिए और शोल्डर की जो है वो सिटिंग करके इसे अटैच कर लीजिए। तो शोल्डर हमने तो आपने देखा कि अस्तर लगाना बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी भले लगता है पर बहुत आसान होता है। सो यहाँ पर जो है वो शोल्डर जो है हमने यहाँ पर स्टिच करना है। शोल्डर मेरा स्टिच हो चुका है, अब जो कि मेरा नेक भी रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स की तैयारी करेंगे। स्लीव्स भी जो है मैंने नेट की ही फैब्रिक से बनाई। उससे पहले जो है हम यहाँ पर बैक की तरफ हल्का सा कटिंग कर देंगे, जिससे कि गला जाने में आसानी होगी। ये जो है आप चाहो तो बैक पूरा कट करके जिप लगा सकते हो, और अगर आपको जिप नहीं लगाना है तो जिस तरीके से मैंने बैक के पोर्शन को कट किया है 2 से 2.5 इंच का, उसे कट कर लीजिए, उस पोर्शन को हेम कर लीजिए। हेम करने के बाद कोई भी बटन वगैरह लगाकर उसे आप टाई ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी होता है। अब ये फ्रंट के आर्म होल्स की तरफ मैं हल्का सा जो है वो कट कर रही हूँ, जिससे कि जो फिटिंग जो है वो अच्छी आती है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रंट की तरफ आपके चेस्ट के पास का जो आर्म होल्स होता है वहाँ की फिटिंग ऐसे करने से बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने कट कर लिया है और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इसे इधर हाफ फोल्ड कर लेंगे, 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच, फिर उसे जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं कमीज़ की, उसी तरीके से बैक के इस पार्ट को जो है वो फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन बनाने के लिए सेम फैब्रिक का इस्तेमाल किया था, तो फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा एक बार फोल्ड करेंगे, जिससे कि फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। फिर ऊपर से 3 इंच की एक मार्किंग ले लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेस कर लेंगे। लंबाई जितना आपको चाहिए उतना आप रख लीजिए, मैंने 20 रखा था। उसके बाद जितना आपको कलाई के तरफ कपड़ा चाहिए उतना मेजरमेंट कर लीजिए, मैंने 5 इंच का रखा था, इस तरीके से मिला लीजिए।
आस्तीन को हम यहाँ पर फिर कट कर लेंगे सारी मार्किंग एरियाज को, एंड बीच में भी नॉच ज़रूर लगाइएगा जिसकी मिडिल पोर्शन पता हो। फिर आस्तीन को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उल्टा रख लीजिए, एंड जैसे हमने आर्मोल की तरफ फ्रंट में कट किया था वैसे फ्रंट में जहाँ पे आस्तीन लगेगी वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा और वहाँ पर निशान लगा दीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए। और फ्रंट में जो फिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो कपड़ा वहाँ पर फोल्ड नहीं होगा और बहुत अच्छी सी फिटिंग आएगी। तो जो आपने कट किया था उसे आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट में आस्तीन आए, एंड उसके बाद इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आस्तीन को ब्लाउज के साथ अटैच कर लीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने आस्तीन को ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया। ब्यूटीफुल सी गोटा की लेस भी मैंने गले की तरफ लगा ली है जिससे कि ये जो गाउन का लुक है और भी ज़्यादा है। बैक का एरिया को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ बटन या हुक आई कर सकते हैं, ये पीछे से लॉक हो जाएगा और नेक भी जाने में आसानी होगी। स्लीव्स भी लग चुकी है, अब इसे सिंपली हमें फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद साइड्स की जो है वो आस्तीन से लेकर कमर के तरफ हमें फिटिंग देनी होगी। तो इस तरीके से उल्टा हमें फोल्ड करना होगा, एंड इसके बाद इसे सिलाई दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई दे दिया है, एंड बॉडीज़ का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान था। अब हमें जो है वो अपने घेरे की तैयारी करनी है। तो घेरे के लिए सबसे पहले मैं आपको पेपर में बता दूँ कि आपको घेरे को किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमें जो मैंने मटीरियल लिया है वो 2.5 मीटर मैंने जो है घेरे के लिए लिया है और 2.5 मीटर अस्तर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कपड़े को इसी तरीके से एक बार फोल्ड करना होगा स्ट्रेट, फिर उसके बाद ट्राइंगल फोल्ड करेंगे लाइन के जैसा। जैसे मैंने इधर फोल्ड किया वैसे ही आपको कपड़े को भी फोल्ड करना पड़ेगा, अस्तर के भी कपड़े को और नेट के भी कपड़े को सेम इसी तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। जितनी कमर रहेगी उसका आपको 1/4 हिस्सा ले लेना होगा, एंड उसके बाद जितना आपको लंबाई चाहिए रहेगी उतनी आपको लंबाई ले लेनी होगी। अगर लंबाई कपड़े से ज़्यादा है तो नीचे की तरफ आप कली अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो कली वहाँ पे अटैच हो जाएगी और वो लंबा हो जाएगा। फिर इस पोर्शन को हमें कमर और घेरे को इस तरीके से कट कर देंगे, एंड यहाँ पर जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके मिलेगा। ये फोल्डेड जो पोर्शन है आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो और चाहो तो इसे इस तरीके से फोल्ड रहकर इस ओपन पार्ट को स्टिच करके ये घेरा आपको इस तरीके से रिसीव हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस मेन फैब्रिक को भी जो है वो प्लेस कर लिया था। ऊपर की तरफ मैंने कमर ले लिया है और फिर नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लंबाई ले रही हूँ। तो ऐसे करने से घेरा बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत फ्लोई सा आपका गाउन रेडी होगा। अगर आपको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो कमेंट डाउन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर प्लीट्स वाला नीचे गाउन भी बना सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने घेरे के लंबाई जो है वो 38 लिया है, और मेरे जो मेन फैब्रिक है उसमें कली नहीं आई है क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था। तो जो मटेरियल है उसकी जो पन्हा था वो ज़्यादा था मेन फैब्रिक का, इसलिए यहाँ पे कोई भी कली नहीं आई है। अगर कपड़ा कम पड़ता तो यहाँ पर आप कली लगा सकते हैं। जो कली का पार्ट है मैं आपको अस्तर में बताऊँगी क्योंकि अस्तर भी मेरा कली आया है। तो यहाँ पे मैंने कमर भी कट कर लिया है और हमारा मेन फैब्रिक जो है वो रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइन है इस तरीके से। अब जो ये अस्तर है उसे भी मैंने सेम वैसे ही फोल्ड किया है जैसे मैंने पेपर में बताया था, जैसे मैंने नेट के फैब्रिक को फोल्ड किया। अब नेट के फैब्रिक को इसके ऊपर प्लेस कर लीजिए, एंड उसके बाद आप जो है सिंपली कट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको हमेशा मार्किंग्स नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते सिलाई में और कुछ को अभी स्टार्टिंग में करते हैं तो बेसिकली उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो अब अगर करते जाएंगे तो यहाँ पे मैंने कमर कट कर लिया है और फिर इसी से हम अपना घेरा भी कट कर लेंगे। इस तरीके से घेरा को भी नीचे की तरफ हम कट कर लेंगे। सो मैंने कट कर लिया। अब मेन फैब्रिक को हटाएंगे तो आपने देखा ऊपर की तरफ कपड़ा कम है, तो अब नीचे के साइड से हम इस तरीके से कली कट कर लेंगे और उस कली को यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कली आई है। ऐसी ही कली अगर आप मेन फैब्रिक पे भी आती तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो, वो इतना पता नहीं चलता है पहनने के बाद। अब ये कमर का पोर्शन है। अब सिंपली क्या करना होगा,
जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर का फैब्रिक है उसे सीधा ही रखेंगे, दोनों ही फैब्रिक को बस सिंपली कमर के तरफ दोनों को जॉइन कर लेंगे ताकि जो कपड़ा है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट रहे। उसके बाद इसे साइड से भी हम जो है वो जो ओपन एरिया है उसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद भी सिलाई दे देंगे ताकि घेरे के साथ जॉइन करने में आसानी हो। इस तरीके से चारों कपड़े को हमें जो है वो फ्लिप करके जो है वह साइड्स की तरफ सी देना होगा। एक साइड तो फोल्ड रहेगी और एक साइड सिली। अगर आपने एक दोनों साइड को कट कर दिया है तो दोनों साइड को आपको फोल्ड करने लेनी होगी। सो यहाँ पर इस तरीके से हमें जो है वो सिलाई दे देनी होगी तो हमारा जो फैब्रिक है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा और घेरा भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे अम्ब्रेला कटिंग कहते हैं। तो इससे जो आपका घेरा है बहुत ही प्रिटी सा घेरा आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी दे दिया है, बॉडीज भी रेडी हो चुकी है और घेरा आप देख सकते हैं कितना प्रिटी तरीके से, कितना प्यारा या इसका फ्लो आया है नीचे की तरफ। अस्तर के साथ हमने कमर और साइड्स दोनों ही लॉक कर दिया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पार्ट जो है वो दिख रहा है। अब कमर को फैब्रिक के साथ जो है वो हमें अटैच कर लेना होगा। इस तरीके से घेरा रखेंगे, सीधा और सीधा ब्लाउज ही रखेंगे। घेरे की कमर को और बॉडीज की कमर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए राउंड घुमाते हुए सिलाई दे देंगे। सो ये पोर्शन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। मुझे ये जो मेरा गाउन है वो अंडर 300 रुपीज़ में बना है क्योंकि ये मुझे फैब्रिक जो है मेरी लोकल मार्केट में सिर्फ 50 रुपीज़ मीटर मिल गया था, तो इसलिए बहुत ही कम कॉस्टिंग में ये बन गया। ये मैं किसी भी तरीके से कहीं भी इसे वेयर कर सकती हूँ। पिंक कलर का दुपट्टा लेकर आप साइड में नेट के फैब्रिक लेके लेस लगा सकते हैं, लटकन लगा सकते हैं और आप इसे वेडिंग में पहनने के लिए या ईद बकरे जो भी आपका फेस्टिवल आएगा उसे पहनने के लिए ये पूरी तरीके से रेडी है। बेहद खूबसूरत लग रहा है ये गाउन। अब आप मुझे इसे कमेंट करके बताइए कि आप सबको ये गाउन कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।